ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਖਾਣੀ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ये सर जिहड़ियां पंजाब सरकार वालों हदायतां ने और ग्रीन ट्रिब्यूनल नैशनल लैवल से जिहड़ियां हदायतां जारी ने प्रदूषण वास्ते और माननीय SSP साहब DC साहब रूपनगर वालों सख्त हदायतां ने भी कि एक तीला भी पराली का जिहड़ा उहनूं अग नहीं लगनी चाहिए। इहदे तहत सानूं ये बड़ी खुशी की भी गल है भी साडा एरिया नंगल जिहड़ा उहदे विच एक भी केस नहीं आया स्टबल बर्निंग का। ये तहत अं अज फिर SHO साहब नंगल न्याय नंगल अं बाहर आए हैं तो एरिए फिर वेख्या भी बिल्कुल साफ सुथरा काम आ। इन्हों जागरूक भी करता और अगेता ही इन्हों जानकारी है भी पराली फूकण के नुकसान की ने ते इनू ना नश अग लाने के फायदे की ने, इस करके पूरा यदि पालना कराई जा रही है। बिल्कुल जी इन्हां दस्ता भी सख्ती बहुत आ, तो जिहड़ा भी कोई पराली अग लाऊगा उत्ते परचे दर्ज किए जाएंगे तो रेवीन्यू विभाग जिहड़ा उहदे संबंधी जो भी लाल एंट्री है वो रिकॉर्ड दे विच करनगे, फिर एक खराब होणगे परेशान होणगे, इस करके इन्हां नूं जागरूक किया। मेरा अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी अज पुलिस वाले आए थे की समझा रहे थे की है सारा? सानूं समझा गए कि पराली नूं अग वगैरह नहीं लानी चाहिए है तो इन्हां नूं इकट्ठा करके जां चारे वास्ते संभाल के रख लो जां फिर होर जिहड़ा गत्ता वगैरह जां कुछ होर भी बनवा सकते असीं, तो बाकी जे असीं नूं अग लगाईए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जो रेवन्यू वगैरह कहते लोन वगैरह मिलने उन्होंने भी कहते रोक लग सकती है। नहीं नहीं इधर कोई लाई करते ना लगाई जी ना अगे लगानी। अच्छा क्या नाम है? राज कुमार जी। अग लगा दी जाती है, प्रदूषण भी ज्यादा हो रहा, क्या कहना चाहोगे? देखो जी मैं सबका सरपंच पिंड भीखापुर तो बोल रहा जी, तो साढ़े इस एरिए जिते तक साड़िया मशीनां चलदियां असीं देखदे आ कोई बंदा पराली नहीं साड़ रहा। हाँ जी ठीक है ना, जिदा जिदा सरकार के हुक्म आउंदे आ उन्हां दी कानून की लंघना नहीं कर रहे। ठीक है ना जी। तो दूसरा जे कोई बंदा कोई माड़ा मोटा कोई जालदा भी है तो उन्हों भी असीं यही बेनती करते हैं कि देखो पराली ना साड़ो जां इहनूं साइड ते इकट्ठी करके रख दिओ जां इहदा जां सानूं बिजाई वेला बहुत नुकसान हुंदा है जां साडे कीड़े मकौड़े है जां होर जानवर है वह काफ़ी मर जाते हैं। ठीक है जी, इस करके असीं सारे अपने आनंदपुर ब्लाक दे नूं एरिए चो साडा कोई बंदा ऐसा नहीं है जिहड़ा कि अग लगा रहा है। ठीक है, असीं साडे कोल दो कंबाइनां है, असीं सारा घूमते फिरते हैं, सो असीं देख रहे हैं भी कोई भी किसी बंदे ने भी अग नहीं लगाई और जो पराली मशीनां कट रही वो नालों नाल गुजर पराली नूं चक्के लै जांदे है। ठीक है ना, वो डंगरां वास्ते यूज कर लैंदे है, तो इस करके साडा इस आनंदपुर ब्लाक है जिहड़ा वधिया यानी कि कानून दे अपना साथ दे रहा जी। हाँ जी हाँ जी। सर पराली नूं अग लाउण जिहड़े लांदे ने प्रशासन किवें तैयारी कर रहा ते की पुख्ता प्रबंध कीते गए ने कि ना जलाण ते कीड़े स्कीम है? देखो पंजाब सरकार ते माननीय डिप्टी कमिश्नर जी वालों ते अपने SDM वालों एक संदेश दिता जा रहा है, पहला ही जागरूक कैंप भी लगाए गए ते गुरुद्वारे च मुनादी भी कराई गई कि पराली नूं ना साड़िया जाए। इस पराली नूं साड़न नाल बहुत पर्यावरण नूं नुकसान हुंदा है, जिहदे नाल दमे दे पेशेंट बच्चों बजुर्गों नूं बहुत दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। ईवन कि कई बार हाईवेज से इन्ना क ज़्यादा धुंद हो जाती है जिदे नाल कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो
ये सारी समस्यावां जिहड़ी पराली नूं अग लाउण नाल हुंदियां ने, इस संबंधी जिहड़े प्रशासन वल्लों जिहड़े इंतजाम किए गए ने उह सुपरसीडर बेलर प्रोवाइड करवाए गए हैं किसानों, खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट वालों ते SDM ऑफिस वालों ये सारा काम किया जा रहा है। SDM ऑफिस इनू मोनीटर कर रहे हैं ते सारे अफसर दी नोडल अफसर कलस्टर अफसर लगाए गए ने जिहड़े कि फील्ड च जाके विजिट करते हैं। जे किसी किसान वालों किस अपने खेत अग लाई जाती है उहदे ते नियमां मुताबक जो भी कार्रवाई है वह करन दे आदेश ने ते उहनां ते कीती जा रही है कार्रवाई।